अहंकारी मनमुख जो पुरुष है, मनमुख जिसने मन नूं मुख रखिया होया, इस मनमुख बंदे ने जिन्हें भी कर्म किते अहंकार दे नाल, माण दे नाल, जे कोई कर्म करदा है उहदे विच मान लै आउंदा है, उहदे विच अहंकार लै आउंदा है। अहंकारी पुरुष जिहड़ा है मनमुख बिरती वाला, वह जिन्हें भी कर्म करदा है सो उहनां कर्मां नूं सो अहंकार दे समेत करदा है। अहंकारी बिरती लै के ये जो मनमुख पुरुष है वह कर्म करदा है। इस करके महाराज फरमाउंदे कहन लगे, अनक जन्म विछड़े दुख पाया। अनेकां जन्मां दे विछड़न दा दुख तां प्राप्त होया क्योंकि इस मनमुख बंदे ने सो अहंकार दे सहित कर्म किते ने। इस करके ये परमात्मा नालों विछड़ गया है, टुट गया है, उहदे नालों टुटन करके इसने फिर कई जन्म दुख प्राप्त किया है। बहुत जन्म विछड़े थे माधो, सो बड़े जन्म असी तेरे नालों विछड़े हाँ, तेरे नालों टुटे हुए हैं, इस करके असी दुख नूं प्राप्त हो रहे हैं। महाराज साहब जीआं दा बचन आपां पढ़दे हाँ कि ये जिहड़ा मनुख है कई जन्म भय कीट पतंगा, कई जन्म गजमीन कुरंगा, कई तो भाव हुंदा अनेकां बहुते जन्म ये जिहड़ा जीव है ये कीड़िया पतंगियां नूं प्राप्त करता रहा, जन्म लैंदा रहा, इस करके दुख उन्हां जन्मां विच प्राप्त होया। गुरु रामदास पातशाह कहन लगे, मनमुख कर्म करे अहंकारी। मनमुख बंदा जिन्हें भी कर्म करता अहंकार दे समेत ही करता, अहंकार नूं मन विच रख के कर्म करता, इस करके अनक जन्म विछड़े दुख पाया। अनेकां जन्मां तों विछड़न दा दुख तां सानूं प्राप्त होया, तां इह वार वार जन्मां विच आउंदा पिया क्योंकि परमात्मा नालों विछड़िया होया है। साधु परसत ही प्रपाया गोबिंद शरण तुम्हारी। सतगुरु फरमाउंदे जिहड़े गुरमुख ने पहली पंक्ति विच मनमुखां दा जिक्र कीता है, भी मनमुख जिहड़े ने उह परमात्मा नालों टुट के विछड़ के दुख पाउंदे। इस पंक्ति विच महाराज हुण गुरमुखां दी गल करदे, कहन लगे जिहड़े गुरमुख ने उन्हां नूं पूर्ण साधु की प्राप्ति हुई है। पूर्ण साधु कौन है? साहिब गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जी। पूर्ण साधु ने साहिब गुरु नानक देव महाराज जी। सो ये जब सतसंगत भय साधु जन, सतगुरु पातशाह कहन लगे साधु परसत ही प्रभ पाया। साधुआं दे चरणां नूं परस के गोबिंद शरण तुम्हारी, ऐ गोबिंद परमात्मा जदों तेरी शरण विच आए ना उस वेले प्रभ पाया, फिर परमेश्वर की प्राप्ति हो गई, ये दुख सारे दूर हो गए, ये विपता सारिया दूर हो गई, ये संकट सारे दूर हो जाते आप जी की कृपा दे नाल, आप जी की शरण नूं प्राप्त होए। हाँ गोबिंद प्रीत लगी अत प्यारी, गोबिंद परमात्मा आप जी दे नाल अत प्यारी, बहुत ही प्यारी प्रीति लगी है। कोई ये आम प्रीति नहीं है कि पदार्थ मिल गया तो प्रीति है, पदार्थ चले गया तो उस वेले प्रीति टुट जाती है। जिवें असी दुनिया के लोगों नाल प्रेम करते हैं, जदों सानू कोई चीज़ मिलती है तो असी उस दे नाल बड़ा नेड़े हो जाते, बड़ा प्रेम करते, जदों चीज़ नहीं मिली है उस तो दूर हो गए। ये दुनिया की प्रीति साड़ी इहो जी है, पर परमात्मा तेरे नाल अत प्रीत लगी है, बहुती प्रीत लगी, बहुता प्रेम लगा होया। भावें पदार्थ मिले तो भावें ना मिले, पर तेरे नालों प्रेम टुट नहीं सकता है, ऐसा प्रेम बनया होया है। सतगुरु बख्शिश कर दे गोबिंद, ऐ गोबिंद परमात्मा प्रीत लगी अत प्यारी, बहुत ही प्यारी प्रीति प्रेम तेरे नाल लगा होया है, जिहड़ा पदार्थ ना मिलन करके भी टुटेगा नहीं, ऐसियां बख्शिशां प्राप्त होंदियां हन। जब सतसंग पए साधु जन हिरदा मिलिया शांत मुरारी। सतगुरु पातशाह कहन लगे जब सतसंगत, जदों सतसंगत की प्राप्ति हुई ना गुरमुखो, ये संगत है जिस विच आपां बैठे हाँ, इसनों सतसंगत आख्या जाता है। महाराज साहब जी का बचन आपां पढ़ते हैं, विच संगत हर प्राभ वसै जीओ, इत्थे परमात्मा निवास करदा सतसंगत विच आके। जब सतसंगत पै साधु जन, जदों सतसंगत विच आके साधुआं दी संगत मिले, गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह दी संगत मिले,
नाम जपन वाले गुरसिखा गुरमुखा की संगत जिस वेले प्राप्त हुई हिरदय मिलया शांत मुरारी। फिर हिरदे विच मुरारी कहिए परमात्मा मिल गया। मुरारी परमात्मा का एक नाम है। वो मुरारी परमात्मा जदों मिलया तो फिर हिरदय शांत आई, फिर हिरदे विच शांति आ गई। उन्ना चिर हिरदे विच शांति नहीं आनी, भावें जिन्ने मर्जी पदार्थ इकट्ठे कर ला, भावें जिन्ने मर्जी पदार्थ जमा कर ला, पर बहुते पदार्थ जमा करन दे नाल शांति नहीं आवेगी। कोई ना कोई भुख लगी रहिंदी है, मैनू आह मिल जावे, मैनू आह मिल जावे, किसी ना किसी रूप दे विच भुख बनी हुई है। पर जिन्हां दे हिरदे विच मुरारी परमात्मा मिल गया ना, उन्हां नू शांति इहो जी आई है कि दुनिया दे किसी पदार्थ की इच्छा रह ही नहीं गई है। दुनिया दे पदार्थां वल्लों वह जिहड़े गुरमुख ने वह रज जांदे हन। रहाओ तू हिरदय गुप्त वसे दिन राती, तेरा भाउ ना बुझै गवारी। परमात्मा तू हिरदे विच वसदा है, कदों वसदा? दिने भी वसदा पिया, रात भी वसदा पिया। कोई इहो जिहा समा है नहीं भी तू हिरदे विच होवें ते वो समा ना होवे। नहीं, तू हिरदे विच हर समय बैठा होया है। कोई इहो जिहा समा आउंदा ही नहीं जदों शरीर तों बाहरी हुंदा है। तू हिरदय गुप्त वसै, पर तू वसदा गुप्त है, किसी नूं दिखाई नहीं दिंदा है। ना दिखाई देन करके तेरा भाउ ना बुझे गुवारी। जिहड़ा गुवारी ये मूर्ख जीव है ना, ये तेरे प्रताप नूं बुझ नहीं सकिया, जान नहीं सकिया, क्योंकि इसने जानिया ही नहीं भी मेरे अंदर वो बैठा होया है। इस करके ये जीव तेरे प्रताप नूं जान नहीं सकिया। तेरा भाउ ना बुझे गुवारी, भाउ नाम प्रताप दा है, तेरी महिमा नूं जान नहीं सकिया। दूसरा भाउ दा अर्थ करदे प्रेम। ये मनमुख बंदा हिरदे विच प्रेम नूं जान ही नहीं सकिया, प्रेम करके तैनू पा ही नहीं सकिया। तू हिरदय गुप्त वसै दिन राती, तू हिरदे विच दिने रात गुप्त होके वासा करदा पिया, पर तेरा भाउ ना बुझे गुवारी। ये गुवारी जिहड़ा मूर्ख जीव है, इसने तेरे प्रताप नूं जानिया नहीं। इस तरह का यह मनमुख आदमी है। सतगुर पुरख मिलिया प्रभ प्रगटिया, गुण गावे गुण विचारी। सतगुरु बख्शिश करदे, सतगुर मिलिया। जदों गुरु मिल जाता है ना, तो गुरु फिर की करता है? गुरु गुण दिंदा है भी भाई ये गुण गा परमात्मा का। जदों वह गुण गाँदा है फिर गुरु होर गुण दे दिंदा, ये भी गुण गा परमात्मा का। सतगुर मिलिया, सतगुरां नूं मिलन करके गुण गावै, फिर ये जीव गुणा नूं गाँदा है। जदों गुणा नूं गाँदा है फिर गुण विचारी, फिर उहदे गुणा की विचार करता है। परमात्मा ने मैनू ये भी दिता है, परमात्मा ने मैनू ये भी दिता है। परमात्मा सारी कायनात नूं ये दिंदा पिया, सारी सृष्टि नूं ये दिंदा पिया। फिर ये जिहड़ा जीव है दिने रात उहदे गुणा नूं गाँदा है, उहदे गुणा की विचार करता है। तो सतगुरु बख्शिश करदे, कहन लगे पुरख प्रभ प्रगटिया। वो जिहड़ा पुरख परमात्मा फिर हिरदे विच ही प्रगट हो जाता। किवें प्रगट होया? पहला सतगुर मिलिया, पहला गुरु नूं मिल, फिर गुरु दे कोलों गुण लै परमात्मा की प्राप्ति वाले। जदों गुरु कोलों गुण मिल जाणगे, ये दूजा लैसन है, ये दूजा पड़ा है। फिर उन्हां गुणा की विचार कर, ये तीजा पड़ा है। जदों उन्हां गुणा की विचार करेगा तो पातशाह कहिंदे फिर चौथा पड़ा की है? प्रभ मिलिया, वो परमात्मा मिलेगा, तेरे अंदर प्रगट हो जाएगा। ऐसिया दाता उस दिया फिर प्राप्त होंदियां हन। गुरमुख प्रगास भया शांत आई, दुरमत बुद्ध निवारी। दुरमत वाली बुद्धि, दुरमत वाली बुद्धि कि है? जिहड़ी माड़ी सोच हर वेले बनी रहनी, माड़ी विचार आई जानी, कदे किसी का नुकसान करन वास्ते, कदे किसी का बुरा चितवन वास्ते, कदे किसी का बुरा करन वास्ते, ये मन विच विचार बनी रहिंदी है। पातशाह कहन लगे दुरमत बुद्ध, ये जिहड़ी खोटी मत है ना, जदों निवारी दूर कीती, परे कर दित्ती भी नहीं, नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सरबत दा भला। ये असी बचन पढ़ते तो रोज़ हाँ, पर साडे वास्ते एक आम ममूली बचन है भी चलो पढ़ लिया तो गल निबड़ गई है। पर नहीं, महाराज साहब कहन लगे गुरमुखा बचन ये है भी जदों दुरमत नूं छड़ेगा ना, उदों पराए दा बुरा सोचण दी तेरी बुद्धि चले जाएगी, तेरे दिमाग विच ये ख्याल ही नहीं आवेगा भी मैं किसी का बुरा करना। सतगुरां दे पवित्र बचन ने
पर का बुरा ना रखो चीत। पराए दा कदे बुरा करना ये कदे भी मन में चेते ना रख, कदे ना जान भी मैं किसे दा बुरा करना। पर का बुरा पराए दा बुरा ना रखो चीत, कदे भी मन में ना रख। करना तो दूर दी गल है, किसे दा माड़ा करना दूर दी गल है, पर तू दू माड़ी गल नू करना नहीं, माड़ी गल सोचनी भी नहीं है। ना रखो चीत, चेते विच भी ना रख, याद भी ना रख कि मैं किसे दा माड़ा करना। तो सतगुरु पातशाह अगला बचन कर दे, कहन लगे तुमको दुख नहीं भाई मीत, ऐ भरा ऐ मित्र तैनू आप नू कोई दुख लगेगा ही नहीं जदों किसे दा माड़ा नहीं सोचेगा। सो सतगुरु पातशाह कहन लगे दुरमत बुद्ध निवारी, जदों खोटी मत दूर कर दिती ना दूजियां दा बुरा करन दी, माड़ा सोचण दी, जदों इस चीज़ नू दूर करेगा उस वेले गुरमुख प्रकाश मुखी गुरां दे द्वारा हिरदे विच नाम दा प्रकाश होवेगा। तो जदों नाम दा प्रकाश होया ना तो फिर तेरे अंदर ब्रह्म ज्ञान दी दात प्राप्त हो जाएगी, ब्रह्म बन जाएगा, ब्रह्म ज्ञान दी दात नू प्राप्त होवेगा। तो शांत आई फिर हिरदे विच सहजे शांति आ जाएगी। ये जिहड़ा मन भड़कदा पिया तड़फदा पिया हर वेले, ये तड़फेगा नहीं, ये भटकेगा नहीं, ऐसी दात मिलेगी हमेशा वास्ते शांति आ जाएगी। मन कदे भी तड़फेगा नहीं, पर ये दात उदों मिलेगी जदों पराए दा माड़ा सोचन दी नीयत छड़ देवेगा, सोच ही छड़ देवेगा। पर एक पासे असी कीर्तन सुनते हाँ, कथा सुनते हाँ, पाठ सुनते हाँ और पाठ करते भी हाँ, पर साडे अंदर एहो जिहा क्रोध भरिया होया, एहो जी ईरखा भरी हुई है, जिवें सप्प दे अंदर यैर है, तो यैर वाला सप्प कदे किसे दा मित्र नहीं बनता। महाराज जी का बचन है ना, सप्पै दुध पियाई है अंदर विस नकोर। सप्प नू भावें तुसी पालतू रख लो, घर विच उस नू पाल लवो, सप्प नू रोज़ दुध पिलाओ, पर तुसी ये मता सोच लियो भी सप्प तुहाडा मित्र बन गया, डंग जरूर मारेगा। सप्प दा सुभा ही है डंगना, वह दुध पी के भी डंगदा पिया, तेरा खा के तेरा पी के भी तेरे उपर कुछ करदा पिया। साडा सुभा उस जहरीले सप्प वर्गा बन जाता है, अंदर साडे जहर भरी हुई है, ईरखा दी क्रोध दी जहर भरी हुई है। असी हर वेले दूजे नू डंग मारन दा यतन करदे हां, जदों किते मौका मिलिया असी उह सप्प दे वांग मौके नू खुझावांगे नहीं, उसे वेले मौके दा लाभ लवांगे, चार बंदियां नू कट्ठे करके प्रचार करांगे, फलाने बंदे ने ये कीता, फलाने बंदे ने ये कीता। ये डंग मारन दी बिरती जांदी ही नहीं है, जिन्ना चिर बिरती नहीं ना जांदी उन्ना चिर शांति नहीं आउणी। जिन्ना मर्जी भज लै, जिन्ना मर्जी दौड़ लै, तेरा मन क्रोध नाल भरिया ही रहना है, नहीं मन टिकेगा कदे भी। पातशाह कहन लगे भाई ये बचन या गुरमुख प्रगास, गुरमुखां दे अंदर ब्रह्म ज्ञान तां प्राप्त होया क्योंकि उन्होंने दुरमत नूं छड्या, खोटी मत नूं छड्या, ते फिर उन्होंने हिरदे विच शांति आ गई है। शांत हो गया मन, किवें हो गया, क्योंकि पर का बुरा न रखो चीत, तुमको दुख नहीं भाई मीत, ये अवस्था प्राप्त हुई है। विसर गई सब तात पराई, जब ते साध संगत मोहे पाई। ये गरीब नवाज सतगुरां दे बचन है जो आपां गुरबाणी विचों सरवण कर रहे हाँ। सतसंगत विच आके जे अवगुण छड्डे ही ना ना गए तो फिर लाभ की होवेगा, इस करके अवगुणा नू छड्ड, इतां तेनू संगत दे लाभ दी प्राप्ति है। आत्म ब्रह्म चेन सुख पाया, सत संगत पुरख तुम्हारी। सतगुरु पातशाह अगे बेनती करिए, जिस वेले सतसंगत, सतसंगत विच आके प्राप्त होए ना, तो ये सतसंगत विच पुरख कहिए परमेशर वसदा है, ऐ परमेशर अकाल पुरख आप जी की बख्शिश की हुई जदों संगत विच आके प्राप्त होए, तो आत्म ब्रह्म साड़ी जिहड़ी आत्म ब्रह्म अवस्था बन गई, साडे अंदर ब्रह्म प्रगट हो गया, साड़ी आत्मा नू परमात्मा जिस वेले मिलिया चीन सुख पाया, ब्रह्म दे दर्शन करके एहो जिहा सुख मिलिया कि बाद विच दुख ही खत्म हो गए, बाद विच दुख दूर ही हो गया, दुख रह ही कोई नहीं गए, सुख ही सुख प्राप्त आके हो गए। पर ये दाता उदों मिलिया जदों असी सतसंगत दे विच आके ते सतगुरां दी कृपा दे नाल ब्रह्म स्वरूप हो गए, आत्मिक शांति प्राप्त हो गई, ब्रह्म दी अवस्था वाले बन गए, फिर सुख दी प्राप्ति हुंदी है। पुरख पुरख मिलिया गुर पाया,
जिनको कृपा पई तुम्हारी। सतगुरु बख्शिश कर दे अकाल पुरख जिन्हां ते तेरी कृपा हुंदी है। हुण इह परमात्मा आ के नहीं दसेगा भी फलाने बंदिया तेरे ते मेरी कृपा, वह दसदा नहीं। पर पता किवें लगे जे हुण परमात्मा दसे ना ते सानू किवें पता लगेगा भी परमात्मा मेरे ते खुश है। महाराज कह लगे भाई जिहदे ते परमात्मा खुश हुंदा है ना सो उसनू की प्राप्त हुंदा है, उसनू मिलिया गुर, उनू गुरु मिल पिया। ये परमात्मा की निशानी है। जे किसी ने यह लभना होवे ना भी परमात्मा परमेश्वर मेरे ते खुश है कि नहीं खुश, वो निशानी ये है भी जिहदे ते वह खुश हो जाता है उनू वो पूरे गुरु नाल मिला दिंदा है, वह पूरे गुरु का सिख बन जाता है। तो जिहड़ा पूरे गुरु का सिख बन गया पातशाह कहन लगे कृपा भई तुम्हारी, जिन्हां उपर परमेश्वर तेरी कृपा हो गई वह गुरु वाले बन गए। तो जिहड़े गुरु वाले बन गए पुरख है पुरख मिलिया, फिर उस पुरश नूं कह लईए परमेश्वर मिल पैंदा है। वेखो किहो जिहा विधि विधान बनाया परमात्मा ने, पहला अपनी कृपा करके गुरु नाल मिलिया, फिर गुरु दे कोलों उपदेश दवाया है, फिर उस उपदेश करन दी आपने समर्था बख्शिश कीती है भी लै भाई इस नाम नूं जप, सोझी दित्ती ज्ञान दिता हिम्मत दित्ती उद्यम दिता अमृत वेला दिता सारा कुछ ही दे दिता भी लै जाप नाम नूं जिहड़ा गुरु कोलों मिलिया। तो जदों उस नाम नूं जपिया तो पातशाह कहन लगे पुरख है पुरख मिलिया, उस पुरख नूं फिर अकाल पुरख मिल पैंदा। सो ये विधि है, ये मर्यादा है भी परमात्मा नूं मिलना किवें आ। परमात्मा नूं मिलण वास्ते पहलां गुरु नूं मिल, गुरु नूं मिल के उपदेश लै, फिर उपदेश दी कमाई कर, फिर तैनूं अकाल पुरख मिलेगा। ऐसियां दातां प्राप्त होंदियां हन। नानक अतुल सह सुख पाया अन दिन जागत रहै बनवारी। कर ऐ संसार रूपी जंगल दे मालक परमात्मा, बनवारी एक परमात्मा दा नाम है। आपां पढ़दे हां ना आनंद साहिब दे विच कृपा कर बनवारिया, बनवारिया तो भाव बन कहिंदे जंगल नूं, अते वारी नाम है मालक। जिमें बाग दा मालक माली हुंदा ना, जिहड़े मर्जी रुख नूं कट देवे जिहड़े मर्जी रुख नूं पाणी पा देवे, उन माली नूं पता भी किन्नू किहड़ी दवाई पाउणी है, किहड़े रुख किहड़ी रुत्त विच किहड़ा रुख लाउणा है। इसे तरहां इह जिहड़ा संसार है ना भाई, इह संसार भी एक जंगल ही है। इस संसार जंगल दा मालक है परमात्मा, तां उहनूं आखिया जांदा बनवारी। जां आपां इह भी कह सकदे हां ये संसार एक बाग है, तो उस बाग नूं हरिया भरिया करन वाला माली ओ परमात्मा है, तां उसनूं बनवारी आखिया जांदा है। संसार रूपी बाग नूं सजाउण वाला इह गुणा करके उहदे नाम ने। ये अर्थ वक्खो वक्खरे तां आपां शब्दां दे करदे हां, जदों आपां नितनेम करांगे ना बाणी पढ़ांगे तो फिर सानूं समझ पवेगी भी इस शब्द का यह मतलब है। हुण इह बनवारी शब्द कईआं थावां ते आवेगा और ये अर्थ सानू भुलेगा नहीं भी बनवारी किनू कहिंदे ने। जिहड़ा ये संसार जिहड़ा है संसार एक बाग है, ये संसार बाग दा जिहड़ा मालक है उसनू आखिया जांदा बनवारी, जां संसार नू आपां जंगल भी कह सकते हैं। इस जंगल दा जिहड़ा मालक है उसनू आखिया जांदा बनवारी। महाराज कहन लगे जिहड़ा उस बनवारी परमात्मा नू अनदिन जागत रहे, दिने रात जा के उहदे नाम नू जपेगा, दिने भी जपदा पिया रात नूं भी जपदा पिया। वाहिगुरू कृपा करे सानू ये समर्था बख्शिश करे भी असी दिने रात उहदे नाम नूं जपीए। वैसे साडे कोलो जपिया नहीं जांदा, सानू नींद भावें ना आउंदी होवे पर असी बाणी दा पाठ शुरू करिए उस वेले आउणी शुरू हो जांदी है। पर जिहड़े गुरमुख ने वह दिने रात उहदे नाम नूं जपदिआं होइआं जागृत अवस्था नूं प्राप्त करदे। नानक अतुल फिर तुल कहीए ना तुलने वाला परमात्मा, हुण परमात्मा तोलिया नहीं ना जा सकता। कंचन स्यों पाई है नहीं तोल, रब सोने चांदी नाल तुलदा नहीं, इस करके उसनू अतुल आखिया जांदा। ना तुलिया ना जिहदा मुल पवे, ना जिहड़ा मापिया जा सके, ना जिहड़ा तोलिया जा सके। नानक अतुल सहज सुख पाया, सहजे ही आत्मिक सुख इन्ना प्राप्त हो गया जिस सुख नूं वर्णन नहीं किया जा सकता। सो परमात्मा की प्राप्ति का सुख दसिया नहीं जा सकता। असी कोई नवा कपड़ा लै आईए, नवी गड्डी लै आईए, नवा घर लै आईए,
नवी कोई चीज़ लै आईए तो असं वह सुख दस सकते हैं भी मैं सुख किन्ना कु है। परमात्मा प्राप्त हो जाए वो किन्ना सुख है, महाराज कहिंदे अतुल सुख। वो सुख वर्णन नहीं किया जाएगा। कहो कबीर गूंगे गुड़ खाया पूछे ते क्या कही है। ये अवस्था बन जाती है, एक गूंगे बंदे नूं गुड़ खाने वास्ते दे दिओ, फिर उन्हों बाद विच पुछो भी ये गुड़ किन्ना कु स्वाद है, हुण गूंगा बोल के की दसेगा, वर्णन नहीं कर पाएगा। इस तरह गुरमुखो परमात्मा की प्राप्ति का सुख किन्ना कु है, इस गल का कोई वर्णन नहीं कर सकता, ऐसा बेअंत सुख प्राप्त होता है। सोठ महला चौथा, हर सिउ प्रीत अंतर मन भेदिया, हर बिन रहन न जाई। परमात्मा दे नाल प्रेम बनिया है, ये अवस्था बन जाती है। सतगुरु पातशाह कहन लगे हर सिउ प्रीत, जिन्हां दी गुरु नाल जां परमेश्वर नाल प्रीति बनी है, मन विद्या उन्हां दा प्रेम दे विच ही मन विन्या गया, प्रेम दे विच ही मन परोया गया। ते पातशाह कहन लगे हर बिन रहन ना जाई, वो फिर गुरु दे दिदारे करे तो बिना रह ही नहीं सकते। आपां आखदे ना मेरा अज टाइम नहीं लग्या, चल कोई नहीं कल नूं चले जावांगे, कल टाइम नहीं लग्या परसों चले जावांगे, मैनू फलाना काम चेते आ गया है, मैं अज दर्शन नहीं कर पावांगा। सो ये साड़ी हालत तां है भी साडा प्रेम ही नहीं बनिया है, पर जिन्हां दा प्रेम बनिया ना गुरमुखो, वो कहन लगे भी मैं गुरु दे दर्शनां तो बिना तो रह ही नहीं सकदा हाँ। प्रेम बनिया सतगुरां दे महान शहीद जिन्हां दा राती आपां इतिहास सरवण कर लै सी, भाई साहिब भाई मती दास जी, किन्ना प्रेम है गुरु दे नाल। जदों जलाद ने पुछया ना आरा रखण ते आरा रखण वेले सीस दे उपर पुछया, दस तेरी की आखरी इच्छा है, काजी भी कोल खलोता होया। उस वेले मती दास जी कहन लगे मेरी एक इच्छा जरूर है, तुसी पूरी करो। काजी बड़ा खुश होया भी ये डर गया आरा वेख के, ये मौत वेख के डर गया, हुण साडे कोलों जिंदगी दी भीख मंगेगा। उस वेले काजी ने खुश हो के पुछया दस की चाहीदा है, ते मती दास जी कहन लगे होर कुछ नहीं चाहीदा, मैनू जदों मेरी शहीदी होवे मेरे सीस ते आरा चले, मेरा मुख उदों गुरु पिंजरे वल होवे, मैं शरीर छड़दा होया मेरे नेत्र बंद हुंदे पै दुनिया दे वलों, पर इन्हां नेत्रां दे नाल मैं गुरु दे दर्शन करदा करदा शहीद होवां। ये है जिन्हां दा प्रेम बनिया, एक पासे मौत खलोती है शहीदी हुंदी पई, दूजे पासे गुरु दर्शनां दी प्यास लगी है, ये जिन्हां नूं अंदरों प्रेम बनिया भाई, ये उन्हां दी अवस्था है। महान गुरसिख बाबा बुढ़ा साहब जी शरीर छड़न लगे, गुरु हरगोबिंद पातशाह नूं सुनेहा भेजिया महाराज छेती आओ, ते सतगुरु पहुँचे कहन लगे दसो बाबा बुढ़ा साहब जी की चाहीदा। बाबा बुढ़ा साहब जी कहन लगे महाराज होर ते कुछ नहीं चाहीदा, पर जदों मैं नेत्र बंद करा नेत्र बंद होण तों पहलां पहलां तुहाडे सरूप दे दिदारे कर लवां, दिदारे करद्या करद्या दर्शन करद्या करद्या नेत्र मेरे बंद होण, बस इहो ही चाहीदा। महाराज कहन लगे भाई हर सिउ प्रीत अंतर मन भेदिया, जिन्हां दी अंदरों प्रीति बनी है ना, जिन्हां दा मन परोया गया ना गुरु दे नाल, हर बिन रहन ना जाई, वो गुरु दे दर्शनां तो बिना रह ही नहीं सकदे। भाई मती दास दा इतिहास साडे सामने आ गया है, महान गुरसिख बाबा बुढ़ा साहब दा इतिहास साडे सामने आ गया है, ये उन्हां गुरसिखां दे इतिहास ते बचन ने जिन्हां ने आख्या असीं गुरु तो बिना रह ही नहीं सकते हाँ, सानू गुरु दे दिदारे प्राप्त होण। हुण इस तों वड्डा जरूरी काम किहड़ा हो सकदा है, मौत तों वड्डा जरूरी काम कोई नहीं है। मौत आउंदी पई है फिर भी सिख दर्शनां नूं चाहुंदा पिया, ते गुरु कहा सिखा तू सहज ही बहाना ला दिंदा, मैनू अज आह काम याद आ गया मैं गुरु दे दर्शन नहीं कर पाया, नहीं कर पावांगा जां नहीं करांगा, ऐसी गल नहीं है। उहदे दर्शनां दी दात जिन्हां दे अंदर प्रेम पैदा हुंदा है गुरमुखो उन्हां नूं प्राप्त हुंदी है। ज्यों मछली बिन नीरा बिन सै त्यों नामै बिन मर जाई। एक उदाहरण दिंदे ने कहन लगे प्रीत किवें दी होनी चाहीदी है, जिवें मच्छी दी पानी दे नाल है। मच्छी भावें गंदे पानी विच ही है, छप्पड़ दे पानी विच है ना मच्छी, तुहाडे मन विच दया आ गई भी छप्पड़ दा पानी ते गंदा है, मैं सोने दी थाली लिया के मच्छी नूं उहदे विच रख देवां। जदों मच्छी नूं पानी विचों कढ़िया सोने दे थाल विच रखिया, उह तड़फण लग पवेगी।
रेशम का कपड़ा भावें महंगा लैके आओ बाजार दे विचों उहदे विच भावें मच्छी नूं रख दिओ तड़फदी पई है क्योंकि मच्छी का प्रेम पानी दे नाल बनिया होया। सतगुरु पातशाह कहन लगे जो मछली बिन पानी बिन नीरै बिन सै जिवें मच्छी पानी तो बिना मर जाती है सो इस तरह त्यों नामे बिन मर जाई इस तरह गुरमुखां दा नाम तो बिना मरना हुंदा वो नाम नूं छड नहीं सकदे जिवें मच्छी पानी नूं नहीं छड सकदी है। पर गुरमुखो इत्थे गुरसिखां दा प्यार मच्छी नालों भी किते ज़्यादा है इत्थे गुरु दा प्यार पानी नालों भी किते ज़्यादा है। मच्छी पानी नूं प्यार जरूर करदी है पर पानी नहीं जे मच्छी नूं प्यार करदा। कदे पानी विच भी छल्लां आईआं कदे हड़ आ गया भी पानी ने आख्या होवे तूं मच्छी फड़ के लै चलिया तो मैं तैनूं डुबो देंगा नहीं पानी नूं कोई फर्क नहीं है मच्छी तड़फी है क्योंकि एक तरफा प्यार है ना एक तरफा प्यार ज़्यादा तड़फाउंदा है इस करके मच्छी ने पानी नूं कीता पर पानी ने मच्छी नूं प्यार नहीं कीता। पर इधरों गुरु का सिख गुरु नूं प्यार करता है उस तो वध किते गुरु सिख नूं प्यार करता है। ये गुरु दा ते सिख दा दो तरफा प्यार है ये डाढ़ा प्यार है। सतगुरु पातशाह कहन लगे ज्यो मछली बिन नीरै बिन सै जिवें मच्छी पानी बिना मर जाती है त्यों नामे बिन मर जाई इस तरह नाम जपन वाले नाम नूं भुल के उन्हां दा मरना हो जाता है। आखां जीवां विसरै मर जाओ आखणे औखा साचा नाओ साचे नाम की लागै भूख उत भूखै खाए चलीऐ दुख नाम दी भुख लगेगी दुख दूर हो जाणगे इस तरह दा गुरमुखां दा प्यार हुंदा है। मेरे प्रभ कृपा जल देवो हर नाई मेरे परमात्मा मेरे ते कृपा करो मेरे ते कृपा करो मैनू नाम दा जल बख्शिश कर दिओ नाम रूपी पानी दे दिओ जिवें मच्छी पानी विच रहिंदी है महाराज मैं भी मच्छी हाँ ते मैनू जल केड़ा चाहिदा तुहाडे नाम दा तुहाडी बाणी दा तुहाडे प्यार दा मैनू जल चाहिदा है। मेरे गोविंद मेरे प्रभ कृपा जल देवो हर नाई मेरे ते कृपा करो मैनू नाम दा जल बख्शिश कर दिओ जिदे करके मैं जीव रूपी मच्छी तेरे नाम रूपी जल दे विच खुश रहना करां। हो अंतर नाम मंगा दिन राती नामे ही शांत पाई मैं अंदरों तेरा नाम मंगदा हिरदे विचों एक ते बारी बारी है ना साढ़े कोल कोई आके खड़ गया तो अरदास कर दिती जी मैनू नाम दिओ बस दुनिया नू सुनाया भी नाम मंगदा जदों कोई चले गया अंदरों फिर फुरना पैदा हो गया मैनू फलाना पदार्थ दे दिओ फलाना पदार्थ दे दिओ। नाम असीं मंगदे आ लोकां नू विखा के भी आह वेखो जी मैं ते नाम मंगदा पिया पर असीं गुप्त रूप दे विच मंगदे पए आ दुनिया दे पदार्थ। महाराज इत्थे बचन करदे कहन लगे कि हौ अंतर नाम मंगा दिन राती मैं अंदरों भी नाम मंगदा ते बाहरों भी नाम मंगदा बोल के भी कहिंदा भी नाम दे दिओ अंदरों मेरा मन भी अरदास करदा है सतगुरु मैनू नाम दे दिओ अते नाम नू मैं दिने रात मंगदा। आपां इह बचन आप ही कहिंदे सुणदे आ ना भी 24 घंटिआं विच बंदे दी गल पूरी हुंदी है पता नहीं पूरी हुंदी है कि नहीं हुंदी पर इह इक असीं गल सुणदे आ आम जिंदगी विच कि 32 दंदा की गल 24 घंटिआं विच इक जरूर पूरी हुंदी है। पातशाह कहन लगे ओ बंदिआ तू 24 घंटे मंगिआ ही नाम कर ऐ परमात्मा नाम दिओ नाम दिओ नाम दिओ ते कदे ते तेरी गल पूरी होवेगी ना कदे ते ओह तेरी सुण ही लवेगा। सो महाराज कहन लगे कि वह गुरमुख जड़े ने वह दिने रात फिर नाम मंगदे मिल मेरे गोबिंद अपना नाम देहो अपना नाम देहो अपना नाम देहो ये बेनतियां कर दे ते जदों दिने रात मंगेगा ते तेरे मुँह विचों निकली कदे ते गल पूरी होवेगी ना कदे ते तेरी फरियाद सुनी जाएगी। इस करके हिरदा नाम मंगा दिन राती मैं दिने रात तेरे नाम नूं मंगदा हाँ नामे ही शांत पाई जिन्हां ने नाम जपया जिन्हां नूं नाम मिलया उन्हां नूं शांति प्राप्त हुंदी है। रहाओ ज्यों चात्रक जल बिन बिलावै बिन जल प्यास न जाई चात्रक नाम गुरमुखो बबीहे दा है बबीहा एक पंछी है जिसनूं बबीहा कहा जाता है पपीहा कहा जाता है। कहन लगे भी वह जिहड़ा बबीहा है ना परमात्मा उदा सिस्टम ही यहो जिहा बनाया होया दुनिया का पानी वह पीता नहीं
ना समुंदर दा पानी, ना मीह दा पानी, ना नदी दा पानी, ना इस तरह छप्पड़ दा पानी, वो पानी पींदा ही नहीं है। उदे वास्ते परमात्मा ने एक स्वांती बूंद बनाई है, वक्री तरह की एक बूंद। जो मीह पैंदा है ना, उस मीह दे विच फिर उस स्वांती बूंद उस बबीहे नूं प्राप्त हुंदी है। जदों वो स्वांती बूंद उदे गल विच जांदी है, उन्हूं शांति उदों आउंदी है, उन्हां चिर नहीं आउंदी जिन्ना चिर स्वांती बूंद मिलदी नहीं है। महाराज कहन लगे, ज्यों चातरक जल बिन बिल लावै। चातरक नाम बबीहे दा, जिवें बबीहा स्वांती बूंद तो बिना दिने रात तड़फदा है, ते बिन जल प्यास ना जाई, स्वांती बूंद तो बिना बबीहे दी प्यास बुझदी नहीं है। भावें समुंदर भरे ने, नदियां नहरां भरियां, पर प्यास नहीं बुझेगी। क्यों? क्योंकि वह तो स्वांती बूंद का ग्राहक है। इस तरह महाराज दुनिया में पदार्थ तो बड़े ने, कितने सोना पिया, चांदी पई है, हीरे मोती जवाहरात पे ने, किधरे जमीना ते किधरे घर गड्डियां मोटर ने, पर पातशाह मेरे इन्हां नाल प्यास नहीं जाती है। मेरी प्यास जाएगी नाम की बूंद के नाल। मैनू वो दिओ, जिवें बबीहे वास्ते समुंदर ते नहरां पानी दियां भरियां, पर प्यास नहीं बुझी, क्योंकि वह स्वांती बूंद का ग्राहक है। इस तरह दुनिया में पदार्थ तो बड़े ने, पर उन्हां पदार्थां नाल मेरी प्यास नहीं जे बुझनी। मेरे ते कृपा करो, मैनू स्वांती बूंद दे दिओ, ताकि मेरे हिरदे नूं शांति आ जावे। गुरमुख जल पावे सुख सहजे, हरिया पाए सुभाई। गुरमुख बन जाते वो जल पावे, वह फिर नाम का जल पाउंदे, क्योंकि गुरमुख बनना ही इस वास्ते है। जदों गुरमुख बन गया, गुरु वाला बन गया, सतगुरां ने गुरु वाला बनाउंदिआं नाल ही पंजां प्यारिआं दे विच वरत के महाराज ने नाम दे दिता। गुरमुख जल पावै, नाम रूपी जल पा के सुख सहजे, सहजे ही आत्मिक सुख नूं प्राप्त हो गए। हरिया भाए सुभाई, वो जिहड़े गुरमुख ने भाए प्रेम दे नाल, शुभ गुणा दे नाल गुरमुखो हरे भरे हो गए, ऐसियां दातां प्राप्त हुंदियां हन। मनमुख भुखे दै दिस डोल है, बिनावै दुख पाई। सतगुरु कहिंदे मनमुखां दी भुख कदे बुझदी नहीं है। तुसीं इह मता सोचो भी मनमुख रज गया, कदे भी नहीं रजेगा, भावें उह किड्डा भी अमीर क्यों ना हो जावे। मनमुख पदार्थ लभण वास्ते दै दिस डोले, दै दिस तों भाव हुंदा दशा दिशा विच, कदे उत्तर नू चले गया, इधरों कुछ मिल जावे, दखण नू, पूर्व नू, पश्चिम नू, कदे देश विच, कदे विदेश विच, बड़ियां धरतियां दी सैरां कर आउंदा है, बड़े देशां विचों घूम फिर आ जांदा है, पर उहनू रज नहीं आया, बहुती माया इकट्ठी करके भी रज नहीं आया। इत्थे ही बस नहीं, कदे देवतियां दे मंत्र पढ़दा भी स्वर्गां विचों कुछ मिल जावे, कदे धरती नू पट्टन लग पैंदा, कदे समुद्रां विच टुबियां लाउंदा, भी हो सकदा थल्लों ही कोई हीरा मोती मिल जावे। कहन लगे मनमुख बंदे दसां दिशां दे विच दौड़े फिरदे ने, चढ़दे नूं, लहिंदे नूं, उत्तर नूं, दखण नूं, कदे आकाश दे देवतियां नूं याद करदे, कदे समुंदरां विच टुबियां लाउंदे पए। पर पातशाह कहन लगे, उहनां मनमुखां दी भुख पूरी हुंदी नहीं है। बिन नावै दुख पाई, नाम नहीं जपिया, मनमुख तां दुखी हो रहे हन। जन मरे फिर जोनी आवै, दरगाह मिले सजाई। महाराज कहन लगे, जिन्हां दी भुख नहीं ना मिटदी, वह फिर जन्म मरे, पहला मिलेगा जन्म, फिर आवेगी मौत, फिर मिलेगा जन्म, फिर मिलेगी मौत। जन्म मरे फिर जोनी आवै, पहला मरेगा, जमेगा, मरेगा, जमेगा, मरेगा, बस ऐसे लैन विच पिया होया, ऐसे लंबी रेस विच लगा होया, क्योंकि मनमुख दी भुख बुझी नहीं है। जे शेर बन गया तो मांस खा खा के नहीं रजिया, पशु बन गया घा खा खा के नहीं रजिया, बंदा बन गया तो धन दे नाल नहीं रजिया, ना ये रजदा, ना दौड़ां पूरियां होंदियां, बार बार जन्मां विच आउंदा है। दरगाह मिले सजाई, तो पाप करके दरगाह दे विच भारी सजावां जिहड़ियां ने वह प्राप्त होंदियां हन। कृपा करे तां हर गुण गावै, हर रस अंतर पाई। बेनती कर, तरला कर, है परमात्मा मेरे ते कृपा कर, कृपा करे तां हर रस हर गुण गावै। जदों कृपा करदा उहदे गुण तां ही गाए जांदे, गुण भी उहदी कृपा बिना नहीं जे गाए जांदे। मता तुसीं इह सोच लिओ भी मैं पाठ करके आया, मैं नाम जप लिया, नहीं, तू नाम नहीं जप सकदा, तेरे ते उह कृपा करेगा, नाम तां जपिया जाना। कृपा करे तां हर गुण गावै,
हर रस अंतर पाई उन्हां गुरमुखां ने अंदर अपने नाम रस नूं प्राप्त कर लिया है। नानक दीन दयाल पए है कि तृष्णा शब्द बुझाई। सतगुरु बख्शिश करदे गुरु रामदास महाराज जी कहन लगे वह परमात्मा दीना ते दयालता करन वाला बड़ी बड़ी दयालता करदा है ते शब्द दे नाल उपदेश दे नाल तृष्णा बुझा दिंदा है। उन्हां दी तृष्णा खत्म हो जाती है शब्द उपदेश दे नाल ते जिन्हां नूं उपदेश प्राप्त हो गया वह रज गया दुनिया वास्ते दुनिया दे वलों। सो अज दे दिन साहिब गुरु हरकृष्ण पातशाह महाराज जी दिल्ली की धरती ते अपना पांच भौतिक शरीर छड के जो सचखंड नूं जान लगे संगत सिखां ने बेनती की महाराज जीओ पहले गुरु तो लैके सतगुरु साहबान तक जदों भी कोई गुरु साहब शरीर छड के सचखंड नूं जांदा है वह अगले गुरु की बाँह फड़ा के जाते आप जी सचखंड नूं चले हो हुण अगे गुरु कौन होवेगा। ये बचन सुन के महाराज ने उस वेले पांच पैसे ते नारियल मंगवाया। महाराज जिया ने पांच पैसे नारियल रख के दिल्ली की धरती विखे बाबे बकाले वाल नूं मूँह करके अपना मुख करके सतगुरां ने मत्था टेकिया नाल ही बचन कह दिता कहन लगे बाबा बसे ग्राम बकाले बनगुर संगत आप संभाले। ये बचन आखे कहन लगे भाई बाबा जेडे वड्डे गुरु ने वो बाबे बकाले की धरती विच रहिंदे पए गुरु बन के आपे ही संगत नूं सांभ लैणगे। ये बचन करके अज दे दिन साहिब गुरु हरकृष्ण पातशाह महाराज ज्योति जोत समाए अते अज दे दिन ही गुरता गद्दी जिहड़ी है वह साहिब गुरु तेग बहादुर पातशाह नूं प्राप्त होई भावें कि महाराज प्रगट ते बाद विच जाके होए पर गुरता गद्दी सतगुरु हरकृष्ण पातशाह जी अज दे दिन उन्हां नूं नवाज के आप सचखंड की प्राप्ति वाले बने। अज दे दिन गुरता गद्दी और अज दे दिन ज्योति जोत गुरु हरकृष्ण पातशाह महाराज जिया का प्राप्त हो रहा है। सतगुरु पातशाह कहन लगे नानक दीन दयाल पै हैं तृष्णा शब्द बुझाई जिन्हों ते वह दयालता करता है उन्हों की तृष्णा खत्म हो जाती है ऐसा शब्द प्राप्त होंदा है। समय की समाप्ति भुलां की मुआफ़ी दिओ सजना सीसड़ियाँ जो होवै साहिब सिओ मेलो। कृपा करे तहर गुण गावै हर रस अंतर पाई नानक दीन दयाल पए है तृष्णा शब्द बुझाई। वाहिगुरु जी का